नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा जमाकर्ताओं व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल की जो पिछले एक वर्ष से गतिविधियां निकल कर आई हुई हैं, हम सभी लोग जानते हैं एक वर्ष से ज़्यादा पोर्टल को आए हुए हो गया है, लेकिन पोर्टल से हम लोगों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। भुगतान जब भी हम लोगों का पॉसिबल होगा तो सहारा के ब्रांच से ही होगा। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों का भुगतान सहारा के कार्यालय से ही मिलने के लगातार ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, यानी कि संकेत बढ़ रहे हैं। जो सहारा रिफंड पोर्टल की पिछले एक वर्ष की गतिविधियां तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, उनकी निवेशकों हेतु पिछले एक वर्ष की गतिविधियों के अनुसार उन्होंने जो अभी चुनाव के समक्ष अपना बयान दिया था, उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए और अध्ययन किया जाए तो उनके अनुसार भी यही परिणाम निकल कर आ रहा है कि कार्यालय से ही भुगतान किया जाने का इशारा किया जा रहा है, यानी कि ब्रांच से ही भुगतान होना चाहिए। केवल और केवल हम लोगों को उलझाए हुए पड़े हुए हैं और हम लोगों का भुगतान बहुत ही जल्द सहारा के ब्रांच से ही होने वाला है। एक इधर सेबी ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया है, यानी सेबी का जो आगे कदम चल रहा था भुगतान न देने को, वही सेबी ने पीछे कदम कर लिया है। तो आइए जानते हैं कब से हम लोगों का भुगतान सहारा के ब्रांच के माध्यम से मिल सकता है, क्या बड़ी अपडेट है, इसी को हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए आए हुए हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, 3, 4 और 5 सितंबर की डेट का इंतजार सभी को है। 3, 4, 5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी मुख्य केस की सुनवाई होने वाली है। उसमें क्या डिसीजन निकल कर आना है, इसको सभी को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले ही हमने आप सभी को एक वीडियो में दिखाया था कि सेबी ने अपना हाथ पीछे कर लिया है और वही गौतम अवस्थी ने लगातार कई PIL लगा दी हैं। तो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्टेड है तो उसका डिसीजन लगभग 90% जो है सहारा पीड़ितों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सहारा को हर एक तरफ से घेर लिया गया है और सच कभी हारता नहीं है। ये बात सभी को मालूम है कि सच कभी हारता नहीं है। उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें लगातार कई संगठन कार्य कर रहे हैं, तमाम एजेंट्स, कार्यकर्ता बंधु सहारा के, और 12 से 13 करोड़ सहारा पीड़ितों का हाथ है, उनकी आवाज़ है। आपका पैसा चाहे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, चाहे स्टार्स मल्टीपर्पज में हो, चाहे सहारायन सोसाइटी में हो, किसी में भी हो, आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का पैसा बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो हम लोगों का जो संकेत मिला है भुगतान का, तो संकेत यही मिला है। आज हमने एक वीडियो देखा था, काफ़ी अच्छा था। तो उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि सहारा के कार्यकर्ता बंधु जो थे, लगातार कर्मचारीगण थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि सहारा का जो मुद्दा फंसा हुआ पड़ा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसमें यही फैसला होगा कि सहारा का भुगतान सहारा के काउंटर से ही होना चाहिए, यानी कि ब्रांच से ही होना चाहिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर थी, इसीलिए हमने आप सभी को बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।